राजगीर में बने नेचर सफारी और जू सफारी लोगों को खूब भा रहा है। ऐसे में अब वहां आए सैलानियों को इन सभी जगहों पर घूमने के लिए अपनी अधिक जेब ढीली करनी होगी। इसके अलावा भी बीते मंगलवार से सैलानियों के लिए नेचर सफारी का प्रति व्यक्ति 600 रुपए का पैकेज शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इस पैकेज में सैलानियों के लिए नेचर सफारी प्रवेश शुल्क के साथ साथ ग्लास स्काई ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, जिप लाइन, जिप वाइकिंग, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग की सुविधाएं और बैटरी चलित वाहन शुल्क को भी शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेचर सफारी समेत अन्य पार्कों के पुराने दरों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत अब राजगीर के जयप्रकाश उद्यान में अगर कोई व्यक्ति वीडियो शूटिंग करना चाहते हैं तो उन्हें 5,000 रुपए शुल्क के रूप में देने होंगे। वहीं इस उद्यान को देखने वालों के लिए प्रवेश शुल्क को 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही अब अगर घोड़ा कटोरा में किसी को शूटिंग करनी है तो उससे 10,000 रुपए लिए जाएंगे और इको पार्क में लोगों को प्रवेश करने के लिए प्रति व्यक्ति दर 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिए गए हैं। बताते चले कि यहाँ के एमपी थिएटर और ऐतिहासिक वेनुमन में शूटिंग के लिए 10,000 रुपए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। वहीं ओपन एरिया थिएटर में शूटिंग के लिए 15,000 रुपए तक निर्धारित कर दिए गए हैं। अगर हम नेचर सफारी की बात करें तो पहले लोगों को यहाँ जाने के लिए 50 रुपए शुल्क देने पड़ते थे, लेकिन बीते मंगलवार पर्यटक को अब 150 रुपए शुल्क देने होंगे। इस 150 रुपए में पर्यटक जू सफारी से नेचर सफारी के प्रवेश द्वार तक विभागीय वाहन से आने जाने के दर सहित नेचर सफारी के जू शुल्क में जू सफारी में मिलने वाली अन्य सुविधा और इंटरप्रिटेशन, 180 डिग्री थिएटर, चिल्ड्रेन पार्क, ओपन थिएटर जैसी कई अन्य सुविधाओं का मजा उठा सकते हैं। बता दें कि वैसे पर्यटक जिन्होंने जू सफारी का प्रवेश टिकट प्राप्त कर लिया है उन्हें नेचर सफारी तक जाने का बस शुल्क अलग से देना होगा जो कि 50 रुपए निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार अब पर्यटकों को ग्लास ब्रिज का मजा उठाने के लिए 150 रुपए शुल्क के तौर पर देना होगा। पर्यटक को इस 150 रुपए में दोनों ब्रिज, ग्लास स्काई वॉक एवं सस्पेंशन ब्रिज का पैकेज मिलेगा। वहीं अब अगर लोग नेचर सफारी में जेटीएन गेट से प्रवेश करते हैं तो उन्हें 50 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं विभाग के द्वारा चलाई जाने वाली बैटरी चालित वाहन की भी शुल्क को बढ़ाकर 10 रुपए से 20 रुपए कर दिया गया है। बताते चले कि इन सब के अलावा जू सफारी के शुल्क में भी परिवर्तन किया गया है। अब जू सफारी में प्रति व्यस्क का प्रवेश शुल्क पहले की तरह ही 100 रुपए है, लेकिन बच्चों के प्रवेश शुल्क को बढ़ाकर 50 रुपए से 100 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह जू सफारी के लिए भी बच्चों के शुल्क को 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिए गए हैं, जिसके बाद व्यस्क और बच्चे दोनों का प्रवेश शुल्क लगभग बराबर हो गया है। इन सबके अलावा फूड पैकेट के दामों को भी बढ़ा दिया गया है और अब बड़ा फूड पैकेट 200 रुपए और छोटा फूड पैकेट 100 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं फूड पैकेट वितरण स्थल के सफाई के लिए भी 250 रुपए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। अगर वाहन की बात करें तो बड़ा बस 200 रुपए, मिनी बस 150 रुपए, कार, जीप, ई रिक्शा एवं अन्य छोटे वाहनों के लिए 50 रुपए, बाइक के लिए 20 रुपए और साइकिल के लिए 10 रुपए प्रति 4 घंटा के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।